बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोल श्री सतगुरु महाराज की। प्राणधार आत्मसंबंधी सुंदर साहब जी, पिछले दो दिनों से हम बड़ी पत्री को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री जी ने उन 12 सुंदर साथ के नाम पर पत्र लिखते हुए उस बहाने से प्रत्येक सुंदर साथ के लिए संबोधन किया है, प्रत्येक सुंदर साथ को सिखापन दिया है कि जागने के कार्य में कैसी कैसी बाधा आ सकती है, कैसे कैसे लोगों से सामना हो सकता है और उसका समाधान क्या है, ये सारा बताया है कि किस तरह से कोई भी सांप्रदायिक कट्टरतावादी मानसिकता का व्यक्ति कोई भी हो सकता है। कोई व्यक्ति हिंदू तन में जन्म लेकर के भी कट्टरता की भावना हो सकती है, कोई यदि मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ है उसमें तो और अधिक ही होती है सांप्रदायिक कट्टरता, कोई ईसाई व्यक्ति हुआ उसमें भी ये हो सकती है। तो ऐसी मानसिकता से ग्रसित कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उनके साथ किस तरह से बात की जाए, उन्हें कैसे समझाया जाए, किस तरह से उनका सोचने का तरीका होता है, कैसी प्रवृत्ति होती है, सब बता रहे हैं। और कल हमने अंतिम में ये भी सुना था कि जो जाहिरी मुसलमान है वो इमाम मेहदी, इसारू अल्लाह और मोमिनों के साथ दज्जाल के युद्ध को कैसा समझते हैं, किस तरह से वो जाहिरी रूप में लेते हैं कि उस समय एक एक मोमिन 70,000 काफिरों को मारेगा, हर जगह पर खून ही खून होगा, बड़े बड़े हाथी मरे पड़े होंगे, न खाने के लिए दाना पानी होगा, न जानवरों के लिए घास होगा, इस तरह से किस ये जाहिरी मुसलमान यही सोच रहे थे कि सच में ऐसा युद्ध होगा, इसका भाव क्या था वो हमने कल सुना। अब आगे श्री जी कहते हैं कि अब तुम छिपे ना रहो, बड़े उमराव होवे अधीन, सो तुम सो तालीम लेंगे जिन चिंता करो बीच दीन। कहते हैं आप लोग अब किसी भी तरह की चिंता मत कीजिए, आपके तारतम ज्ञान के वशीभूत होकर बड़े बड़े जो धर्म अधिकारी कहलाएंगे वे भी आपसे अध्यात्म की शिक्षा लेने के लिए आएंगे, वो भी आपसे अध्यात्म की शिक्षा लेना चाहेंगे। और जब आप धर्म की राह पर समर्पित हैं तो आपको किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कहते हैं और कहूँ नजर जिन करो ना बैठक की जो बंद। दो बातें बताई इस चौपाई में प्रमुख रूप से। पहली बात कहते हैं अपनी दृष्टि को इधर उधर नहीं करना है, एक अक्षरातीत पर दृष्टि रखनी है। और दूसरी बात बताई कि बैठक न की जो बंद, जो आप सत्संग करते हैं उसको कभी भी बंद नहीं करना है। दो बातें हो गई, ये हमारे जीवन में आज भी लागू है। हम चौपाई तो कहते हैं, महामती कहे पीछा न देखिए न किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दीजिए अरवाह। उसी भाव को यहाँ व्यक्त किया है कि एक अक्षरातीत के अतिरिक्त और कहीं पर दृष्टि भी नहीं लगानी है और साथ में सत्संग कार्य को बंद भी नहीं करना है। और कहते हैं जैसे काम पर गए हो तैसा ही दिखाइयो बल। आप जिस महान लक्ष्य की पूर्ति के लिए गए हैं आपको बल भी वैसा ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप मुगलों के दरबार में गए हैं, मुगलों की कैद में है, वहां आपको वैसे ही बल का प्रयोग करना पड़ेगा,
और यहाँ बल मतलब ऐसा नहीं कि तलवार उठाना है, लड़ाई करनी है, नहीं, यहाँ आत्मबल की बात हो रही है। आत्मबल में, आत्मबल के कई लक्षण हैं, उनमें से एक लक्षण है धैर्य। देखिए, जो काम जितना महान होता है उसमें उतने ही धैर्य की भी आवश्यकता होती है, और धैर्यवान मनुष्य ही महान कार्य कर सकता है। जागने के कार्य में प्रारंभ में किए गए प्रयास वैसे ही हैं जैसे ना, एक चाइना में बांस की एक प्रजाति होती है, उसका बीज आप जमीन में डाल देंगे, उसके बाद आप खाद पानी देते रहिए, 5 साल तक बाहर छोटा सा पौधा भी नहीं दिखता है, उसकी कोपल भी नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी आपको धैर्यपूर्वक उसमें पानी और खाद देते रहना पड़ता है। लेकिन 5 साल के बाद जब वो पहला अंकुर प्रस्फुटित हुए दिखता है हमें बाहर थोड़ा सा, उसके बाद 6 महीने में वो बड़ा वृक्ष बन जाता है। दूसरे पेड़ जितना समय लगाते हैं बढ़ने में, 6 साल में जितना बढ़ते हैं वो 6 महीने में बढ़ता है, क्योंकि वो जो 5 साल आपने इन्वेस्ट किया है वो उसने जमीन के नीचे अपनी जड़ों को मजबूत बनाने में समय लगा है। तो जितने महान लक्ष्य हैं ये भी उसी तरह से काम करते हैं, आपको शुरू में धीरे धीरे करके प्रयास निरंतर करना पड़ता है, और बाद में यदि आपने निरंतर प्रयास किया तो ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह आपको फल देते हैं। लेकिन प्रयास निरंतर होना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे, इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ये किस तरह से काम करता है, जैसे आपको ये कहा जाए आपकी कहीं पर नौकरी लगे और आपको कहा जाए कि आपको सैलरी 2 तरीकों में देने का ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम आपको पहले दिन 1 करोड़ रुपए देंगे, एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा ये है कि आपको पहले दिन 1 रुपया देंगे, दूसरे दिन 2 रुपया देंगे, तीसरे दिन 4 रुपया देंगे, ऐसे करके महीने के 30 दिन होते हैं ना, तो हम डबल करते जाएंगे। सामान्य मनुष्य क्या सोचेगा, 1 रुपया, वो तो 1 करोड़ लेने की सोचेगा, पर होता क्या है, लगभग 17 दिन तक मनुष्य सोच नहीं पाता है ढंग से। वो क्या सोचता है, पहले दिन 1 रुपया मिलेगा, दूसरे वाला भी हंसी उड़ाएगा, जिसके पास 1 करोड़ होंगे वो हंसी उड़ाएगा, दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 4 रुपया, चौथे दिन 8 रुपया, पांचवें दिन 16 रुपया, छठे दिन 32 रुपया, सातवें दिन 64 रुपया, आठवें दिन 128, नौवें दिन 256, दसवें दिन 512, ग्यारहवें दिन 1024, बारहवें दिन 2048, तेरहवें दिन 4096। अब 13वें दिन तक बस 4013 दिन व्यतीत हो गए, अभी केवल 17 दिन बचे हैं। तो इंसान कैसे सोचता है, इस तरह से। लेकिन धैर्य बनाए रखने पड़ता है। जब आप 30वें दिन तक पहुंचेंगे तो आप सोचेंगे कि हाँ, मैंने वो 1 करोड़ रुपए के लालच में न पड़ करके अच्छा किया। जागने का कार्य भी कुछ इसी तरह से है। पहले दिन में 1 करोड़ आपको नहीं मिलने वाला है, आपको एक एक करके घर घर जाकर व्यक्ति व्यक्ति से अलग मिल करके बात करनी पड़ती है। यहां क्या कह रहे हैं, जैसे काम पर गए हो सो तैसा ही दिखाइयो बल, जितना महान लक्ष्य। आगे एक और बात कही है श्री जी ने कि जब तक घुटने से घुटना बांध करके, मतलब आमने सामने बैठ करके चर्चा नहीं करते, तब तक जागनी नहीं हो सकती। यदि हम सोचते कि केवल चिट्ठी देकर लौट जाते
तो ऐसे जागने संभव नहीं था, हमें तो आमने सामने बैठ करके बात करनी पड़ती है, जागनी ऐसे होती है और उसके लिए धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, एक से दूसरा जगा, दो से और दो जगे, चार हो गए, चार लोगों ने और अपने कर्तव्य को यदि समझा हम सब सुंदर साथ ने, तो चार से आठ हो जाएंगे, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने तरफ से अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। जो श्री जी ने सिखाया कि जैसे काम पर गए हो तैसा ही दिखाइयो बल, हम तो कहते हैं हमारा तो काम ही नहीं है, बल दिखाने का तो सवाल ही नहीं होता, चर्चा कर प्रचार करने का काम किसका है, ये तो प्रचारकों का है, प्रवक्ताओं का है, महात्माओं का है, गादीपतियों का है, महाराजों का है, गुरुओं का है, यही तो हम सोचते हैं ना। लेकिन ये काम हम सब का है। देखिए, जितने भी गुरुजन हैं, प्रवक्ता हैं, प्रचारक हैं, उन्होंने आपसे थोड़ा ज़्यादा समय दिया वाणी को समझने के लिए, समझाने के लिए, तो वो उस पद तक पहुँचे। लेकिन केवल इतने से कर्तव्य थोड़ी पूरा हो जाता है, एक व्यक्ति कहाँ तक करेगा। यदि हम सोचते हैं कि जो प्रचारक हैं वाणी को जन जन तक पहुंचाने का कार्य उनका ही है, ये तो बिहारी जी की सोच है। बिहारी जी ने कहा मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई तारतम ज्ञान नहीं दे सकता है। श्री जी की सोच क्या है, जिनको पहुंचे तारतम सोई प्रकाश करे, जिसके पास तारतम ज्ञान पहुंचा है उसका कर्तव्य है कि वो दूसरों तक प्रकाश पहुंचाए तारतम ज्ञान का। इसलिए हमें अपना अपना बल दिखाने की जरूरत है। और हमारा बल कैसा है, मोमिन बल धनी का दुनी तरफ से ना है, हमारे पास तो धनी का बल है। अब आगे कहते हैं कि मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूँ एक पाए, और दिस हिंदुवन की निके राखियो बनाए। कहते हैं सुंदर साहब जी, मैं आपके सिर पर एक पाँव से खड़ा हूँ। एक पाँव से खड़े होने का तात्पर्य आप पर कृपा करने के लिए मैं एकदम सावधान हूँ, अर्थात हर पल मैं आपके साथ हूँ। और आप मुगलों के कैद में रहते हुए भी अपने हिंदुत्ववादी रहन सहन को अपनाए रखना, बरकरार रखना, उसको छोड़ना नहीं। देखिए कुछ सुंदर साथ वास्तविकता को समझते नहीं और स्वीकार नहीं करना चाहते, जो ये आरोप लगाते हैं कि निजानंद संप्रदाय इस्लाम परक है या इस्लाम मुस्लिमवादी है, उनके लिए भी यहाँ श्री जी जवाब दे रहे हैं कि देखो हिंदुत्ववादी रहन सहन को अपनाए रखने की बात कर रहे हैं, और दिस हिंदुवन की निके राखियो बनाए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पैदा तो हिंदू परिवार में हुए हैं लेकिन फिर भी हिंदुत्व की बात करने को वो सोचते हैं कि ये तो सांप्रदायिक कट्टरता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। श्री जी जिस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं वह सांप्रदायिक नहीं है। देखिए रहन सहन जो होना चाहिए वह जो सनातन मत में है, जिसको हम आजकल हिंदू कहते हैं कुछ समय से, वैसा ही होना चाहिए। हिंदू जो हीन कर्मों से दूर रहता है, जो हीन कर्म नहीं करता है, वास्तविक जो हिंदू होगा वो उसका भोजन शाकाहारी होगा, उस वो स्वाभाविक रूप से सतोगुण की तरफ बढ़ना चाहेगा, हिंसा इत्यादि से कोसों दूर होगा। तो इस तरह के रहन सहन को अपनाने की बात की जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ न कोई सांप्रदायिक कट्टरता है, चाहे हिंदू पक्ष से हो चाहे इस्लाम पक्ष से हो, सत्यता को स्वीकार करने की यहाँ बात की जा रही है। अब आगे कहते हैं जो तुम्हारे बल सो उत मेरा जोरा होए, और बल मेरे से ए तुमको माने सोए। कहते हैं कि आप जहां पर गए हैं आपके संगठन के बल के द्वारा किसी को मेरे स्वरूप की पहचान हो जाए, आपके बल के द्वारा
मेरे स्वरूप की पहचान हो जाए तो भी आप सूचित कर देना, मुझे बताना। और जब मेरे धाम हृदय में विराजमान राज्य की कृपा से इस दुनिया के लोग या दरबार के जो लोग हैं आपको मानने लग जाएं, मानना क्या मानना, कि आप ही सच्चे मोमिन हैं, आप ही धर्म के राह पर चलने वाले सच्चे लोग हैं, तब भी मुझे बताना। मेरे स्वरूप की पहचान करें तब भी, और आपके स्वरूप की पहचान करें तब भी मुझे बताना। कहते हैं आपके साथ जो कुछ भी होगा धाम धनी की कृपा से अच्छा ही होगा, आप दुखी मत होना, सब भला होएगा। तुम जिन हो दिलगिर, जो मोर्चा तुम लिया सो हके दिया कर धीर। आपने जो बीड़ा उठाया है शरीयत के विरुद्ध, सरा तोरा के विरुद्ध जो बीड़ा उठाया है युद्ध करने का अज्ञानता के विरुद्ध, तो उसमें धाम धनी आपको धैर्य पर प्रदान करें, आपका धैर्य बना रहे। देखिए मैंने पहले भी कहा कि किसी भी महान कार्य को करने के लिए सबसे बड़ा अस्त्र है धैर्य, क्योंकि महान कार्य का परिणाम जल्दी से नहीं निकलता है, और जो धैर्यशाली व्यक्ति नहीं होगा वो तो परिणाम जल्दी चाहता है, प्रयास भले ही कम करे पर परिणाम वो जल्दी चाहता है, और यदि नहीं हो पाया तो राज्य को दोष देने लगता है कि राज्य हमने तो इतना किया था इतना नहीं हुआ। नीति का क्या कथन है, उद्योगिनम पुरुषम सिंहम उपैति लक्ष्मी दैवेन देयमिति का पुरुषा वदंती, दैवम निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्त्या यतने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः। कहते जो उद्यमी पुरुषार्थी व्यक्ति होते हैं उनके पास सारा ऐश्वर्य सारी शोभा आती है और सब परमात्मा की कृपा से ही होगा, ऐसे कायर पुरुष बोलते हैं। क्योंकि जो उद्यमी होते हैं वो भाग्य को एक तरफ रख करके पुरुषार्थ करते हैं, और पुरुषार्थ करने पर भी यदि सफलता प्राप्त नहीं होती है तो वो सोचते हैं कि हमारे पुरुषार्थ में कमी कहाँ पर थी, और उस कमी को सुधारते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। हम क्या करते हैं कि कुछ अच्छा मिल रहा है तब तो हम प्रसन्नचित हो जाते हैं, और यदि कुछ नकारात्मक परिणाम निकलता है तो राज्य को दोष देने लगते हैं। ये सही बात नहीं है। श्री जी कहते हैं कि आपको बहुत धैर्य रखने की आवश्यकता है, और आप वो रख भी रहे हैं, और वो धैर्य का गुण आपको राज्य ने दिया है। इसीलिए अपने मन में किसी भी तरह का संशय मत लाना, राज्य के प्रति अटूट विश्वास रखकर, दृढ़ विश्वास रखकर आप इस युद्ध में डटे रहना। निश्चय ही शीघ्रता से राज्य की कृपा से अब यह ज्ञान जाहिर होगा, इस ज्ञान का प्रकाश होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। आपको बहुत जल्दी से उतावलापन नहीं करना है, क्योंकि क्या कहते हैं, आकले काम शैतान के ठंडे हक से होए सोए, जल्दीबाजी का काम शैतान का काम होता है। अब क्या कह रहे हैं श्री जी कि माया छल रूप है ताको छल ही से जीताए, आगे भगवान के बल बहुत कहलाए। श्री जी कहते हैं कि ये माया छल रूपी है, इसके साथ सीधे युद्ध नहीं करना चाहिए, इसको छल से ही जीतना चाहिए। छल का मतलब यहाँ झूठ और कपट की बात नहीं हो रही है, युक्ति पूर्वक जीतना चाहिए। कैसे, जैसे भगवान विष्णु के बहुत से अवतार हुए, और उन अवतारों के माध्यम से उन्होंने जिन जिन राक्षसों का संहार किया वो कैसे किया, युक्ति पूर्वक, झूठ बोलकर नहीं, युक्ति पूर्वक किया। श्री जी हरिजी व्यास के पास गए तो वहां भी उन्होंने युक्ति पूर्वक हरिजी व्यास को हराया। कैसे कि हरिजी व्यास कुछ सुनाते थे, श्रीजी चुपचाप सुनते रहते थे अनजान बन करके,
और वो एक बात कहते थे, श्री जी 10 बार जी 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 कह के सुनते थे। लेकिन जब समय आया, कहते हैं जब लाग आयो तब उठाए कियो मरण, जब समय आया तो उन्होंने क्या किया, उठा करके मार डाला, मतलब उनके अहंकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, नतमस्तक कर दिया। यदि पहले से ही वो जाकर के कहते कि मैं तो तुम्हें समझाने आया हूँ, क्या पता वो बात सुनते नहीं सुनते, अहंकार सामने आता। पर श्री जी ने उनको उसी की भाषा में समझाया। यदि किसी व्याकरण के विषय पर शास्त्रार्थ करते या पहले से ही शास्त्रार्थ की बात शुरू करते तो हरिजी व्यास सावधान हो जाते, फिर वो व्याकरण का प्रयोग करते तो ये भी हो सकता है कि बहुत लंबा खींचता, कोई निर्णय न हो पाती। लेकिन श्री जी ने भागवत के माध्यम से उनकी बात सुनी और उन्हीं के प्रसंगों से, उन्हीं के द्वारा कही हुई बातों से उनको हराया। और बाद में हरिजी व्यास ने उनके चरण पकड़ लिए, चिंतामणि जी के पास गए तो उनको भी उसी तरह से समझाया, पहले चिंतामणि जी से उनकी बात सुनी, उसके बाद में उन्हीं की बात को पकड़ करके कि कहाँ मजल कबीर केती अकल कमाल, उन्होंने चिंतामणि जी को प्रबोधित किया। इसीलिए कहते हैं जैसा बाजा बजे तैसा ही कीजो निरत, बाजा जिस प्रकार का बजे आपको उसी तरह से नृत्य करना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है कि परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है बताएं? बहुत से सुंदर साथ मेरे पास आते हैं शिविरों में, चर्चाओं में, कार्यक्रम में, उनको रुचि भी है, मुझे अच्छा लगता है कोई सुंदर साथ ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो वो क्या प्रश्न पूछते हैं कि किसी नए व्यक्ति को समझाने के लिए कहाँ से शुरुआत की जाए, ये प्रश्न होता है उनका। तो मैं उनको उसी तरह से जवाब देता हूँ कि कोई क्रिकेटर, कोई खिलाड़ी पहले से ही ये सोच के जाता है कि मैदान में जाके मैं सबसे पहले ये वाला शॉट मारूंगा, नहीं, ये तो बॉलिंग कैसे हो रही है उस पर निर्भर करता है ना, यॉर्कर आ रही है कि बाउंसर आ रही है, गुड लेंथ में है कि कैसे है, ऑफ में है कि स्पिन है, कैसे है, उस पर निर्भर करता है। इसी तरह से श्री जी ने यहाँ पर कहा जैसा बाजा बजे तैसा ही कीजो निरत। हमारे समाज में कुछ प्रचारक ऐसे हैं जिन्होंने कुछ कुछ चौपाइयाँ रट ली है, कुछ कुछ श्लोक रट लिए हैं, और फिर मैं देखता हूं कि चाहे कैसे भी श्रोता हो, सुनाना उनको वही है, श्रोता कैसे भी उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। उनको यह है कि मुझे समय दिया गया है, 1 घंटे का समय है, 1 घंटा मुझे ये बोल करके बिताना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्री जी ने ये बात विशेष रूप से प्रचारकों के लिए कही है, जो भी प्रचार में अपना योगदान देना चाहते हैं, कि प्रसंग और परिस्थिति के हिसाब से हमें चलना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपको गीता के 4-5 श्लोक याद हैं, आप ईसाइयों की बस्ती में चले गए और वहां जाकर के कहने लग गए कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि तुम सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, ऐसा गीता में कृष्ण जी कह रहे हैं, तो क्रिश्चियन हो तुम कृष्ण जी की शरण में चले जाओ, ये क्या बात हुई? आपको वहां बाइबल से ही समझाना पड़ेगा। जो यदि कोई मुस्लिम है तो उसको कतेब पक्ष से ही समझाना पड़ेगा। सनातन हिंदू मत के अंदर बहुत सारी शाखाएं हैं। अब कोई वैष्णव है, आप उसको शिव पुराण से समझाने जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको शिव पुराण याद है। ये तो ऐसी बात हो गई कि एक बार क्या हुआ, किसी दंपति ने, दंपति समझते पति पत्नी, किसी दंपति ने एक डॉक्टर को कॉल किया और डॉक्टर को कहते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चे को टाइफाइड हुआ है। तो डॉक्टर ने कहा कि इसको ठंडे पानी से नहलाओ और कूलर के सामने बिठाओ। तो जिसने फोन किया था उस बच्चे के पिता ने, उसने कहा डॉक्टर साहब ऐसा करने से तो उसको निमोनिया हो जाएगा। कहते निमोनिया हो जाए तो मेरे पास ले आना, क्योंकि निमोनिया का इलाज मुझे पता है, टाइफाइड का नहीं पता। तो ऐसी ही बात हो गई है।
कि हमें जो आता है हम तो वही बोलेंगे, चाहे श्रोता कैसे भी हो। श्री जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना है, जैसा बाजा बजे तैसा ही कीजो निरत। और मुझे लगता है कुछ दिन पहले मैंने एक प्रसंग में बताया था कि कुछ लोग भागवत की कथा करते हैं, वाणी को प्रधानता नहीं देते। उनका कारण भी यही है, क्योंकि उनको वही एक ही डांस आता है। भागवत करने के लिए तो एक ही नृत्य का आना पर्याप्त है, लेकिन वाणी में नृत्य करने के लिए आपको हर प्रकार के डांस आना जरूरी है। क्योंकि यहाँ कोई भी बाजा कभी भी बज सकता है। कभी श्री जी वेदांत के प्रकरणों से लोगों को प्रबोधित करते हैं, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ तुम सकल में साई देखा, कह रहे हैं आपको वेदांत में भी नाचने आना चाहिए। कभी वो कहते हैं हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको निर्मल जाके आत्म, आपको उनमें भी नाचने आना चाहिए। कभी कहते हैं वचन विचारो रे मिठड़ी वल्लभाचार्य वाणी, तो उस विषय में आपको नाचने आना चाहिए। तो यहाँ हर विषय है। कभी कहते हैं तीनों वेदों ने यों कया वेद अथर्वन सबको सार, तो आपको चारों वेद का पता होना चाहिए, तीन वेद भी और अथर्व वेद भी। तो आपको वेद आना चाहिए, दर्शन आना चाहिए, उपनिषद आना चाहिए। ईसा रू अल्लाह और इमाम मेहदी की बात करते हैं, आपको कुरान भी आना चाहिए, बाइबल भी आना चाहिए। तो मुझे यही लगता है कि लोगों ने सोचा होगा कि एक ही डांस सीख लेते हैं, इसके ऑडियंस भी बहुत सारे हैं। लेकिन श्री जी तो यहाँ बता रहे हैं ना कि हमें यदि प्रचार करना हो तो हर बाजे में नाचने आना चाहिए। और कहते हैं कि पर बड़ी यह बात है हिलमिल एक रस होना इत। एक तो यह है कि परिस्थिति के अनुरूप नीति पूर्ण कार्य करना, और दूसरा महत्वपूर्ण बात दूसरी ये भी है कि आपस में जितने सुंदर साथ हैं वो एक रस होकर के मिलजुल करके कार्य करें। तो यहाँ क्या बात बताई जा रही है, एक तो सभी सुंदर साथ अध्ययन करें और दूसरा सांगठनिक रूप से कार्य करें। तो संगठन की महिमा भी बता रहे हैं। और आगे कहते हैं कि पीछे तुमको सब आप ही खुल जाए, आस्ते आस्ते होएगा आप ही हक बताए। जब आप सच में करने लग जाएंगे तो अपने आप पता चलने लग जाएगा कि कैसे क्या करना है। हम सब क्या सोचते हैं सुंदर साथ, एक तो हम प्रचार प्रसार में इसलिए भी नहीं निकलते, हम सोचते हैं कि हमें तो इतना ज़्यादा पता भी नहीं है, थोड़ा बहुत पता है, बाहर कैसे निकलेंगे, हमारी तैयारी हो जाएगी तो निकलेंगे, ऐसा सोचते हैं। और तैयारी कभी होती नहीं है, निकलते ही नहीं है। जबकि यदि निकले तो सच में तैयारी हो जाएगी। यदि हम ये सोचे कि पूरा सीख करके ही निकलना है, ये तो ऐसी ही बात हो गई। जैसे मान लीजिए कि कोई सुंदर साथ दिल्ली में रहता है, मैंने ये दृष्टांत शायद पहले भी दिया था। अब दिल्ली से मान लीजिए किसी को सरसावा आना हो और वो ये सोचे कि सारे सिग्नल हरे हो जाएं, ट्रैफिक सिग्नल सारे ग्रीन हो जाएं, तो मैं गाड़ी चालू करूं, ऐसा तो कोई नहीं करता है। क्या करता है, पहला सिग्नल हरा हो गया, हरी झंडी मिल गई, गाड़ी चालू की जाती है, अगले सिग्नल तक पहुंचते पहुंचते दूसरे सिग्नल भी चालू हो जाती है, या फिर थोड़ी देर रुकना पड़ता है प्रतीक्षा करके आगे बढ़ते हैं। यदि हम प्रतीक्षा करें कि सारे सिग्नल हरे हो जाएं तो हम चले, फिर तो सिग्नल ना ही लगाया जाए ना, क्या ही मतलब हुआ। इसीलिए हमें सिग्नल की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। श्री जी कह रहे हैं कि यदि आप करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप ही बात खुलने लग जाएगी। और कहते हैं पहले ये सूचित कर सुनने बैठे जब, सो उनके हृदय वचन लगे तब। जब दरबार के लोग अपने चित्त को पवित्र करके साफ दिल से सुनने बैठेंगे तो धीरे धीरे करके उनको आपकी बात समझ में आने लगेगी, और आपकी चर्चा सुनकर आपका ज्ञान सुन करके इनके हृदय में दया का भाव पैदा होने लगेगा और वह आपके वचनों से घायल हो जाएंगे। और जब लोग समझने लग जाएं तो आप उनको पहले यहाँ के विषय में बताना, यहाँ की व्यवहारिक बातों को बताना। जब उनका हृदय पवित्र हो, उनके हृदय में बात घर करने लग जाए तो आप अखंड की बात बताना। कहते हैं तुम आकले होए ना उलझियो, सब काम दुरस्ती से होए, आकले काम शैतान के
ठंडे हक से होवे सोए। कहते हैं आप जल्दीबाजी में उलझना नहीं। कई बार सुंदर साथ कैसे काम बिगाड़ देते हैं, जैसे ना एक बार बंदरों ने निर्णय किया कि हमें इंसानों के यहाँ फल खाने के लिए जाना पड़ता, हम आम खाने जाते तो वो हमें पत्थर मार के भगाते, इससे अच्छा हम खुद ही आम लगाएंगे। तो बंदर आम की गुठलियाँ लेके आए, उन्होंने थोड़ी थोड़ी जमीन खरीदी, अरे खोदी, गुठली अंदर डाल दी और ढक दिया। एक दिन बीता, अगले दिन जाकर के वो खोद के देखते हैं कि आम कितना उगा है, फिर कहते हैं अच्छा कुछ भी नहीं उगा है। फिर उन्होंने वापस गुठली लगाई, मिट्टी ढक दी, फिर अगले दिन जाते हैं खोदते हैं देखते हैं। अब बार बार खोदेंगे तो क्या होगा, वो बीज भी खराब हो जाएगा। हमारे बहुत सारे सुंदर साथ ऐसे ही काम बिगाड़ते हैं, जैसे कोई नया नया व्यक्ति। और अभी मैंने लगभग 10-12 दिन पहले एक ऐसी घटना सुनी, कहाँ की है वो मैं नहीं बताऊंगा, जो सुंदर साथ सुन रहे होंगे या जो सुंदर साथ यूट्यूब से सुनेंगे वो समझ जाएंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कि एक सुंदर साथ हैं, उनके घर में कोई बहू आई है, ठीक है, और पढ़ी लिखी भी है, वो सुनना भी चाहती है, पर हमारे जो सुंदर साथ हैं वो बार बार हर दूसरे तीसरे दिन दबाव देते हैं कि तुम तारतम कब ले रही हो, तारतम कब ले रही हो, तारतम कब ले रही हो। अब बार बार ऐसा कहने से व्यक्ति चिढ़ जाता है, उनको लगता है कि इनके पास और कोई काम ही नहीं है। यदि इनका ज्ञान सच्चा होता तो मुझे दबाव देने की क्या ज़रूरत थी, समझ जाऊँगी मैं खुद ही ले लूँगी। और ऐसा, ये तो एक परिवार की घटना में बता रहा हूँ, जिनकी है वो समझ जाएंगे। ऐसे मैंने बहुत सारी घटनाएं देख रखी है। एक बार आज से लगभग 6-7 साल पहले विश्व हिंदू परिषद ने गुड़गांव में एक कार्यक्रम आयोजित किया था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। वहाँ जितने भी संप्रदाय हैं उन सभी संप्रदायों का पंडाल लगाने की व्यवस्था थी, तो हमने भी लगाया था, हमने वहाँ पर साहित्य रखे। तो 2-3 ब्रह्म कुमारी की बहनें थी, तो वो हमारे पंडाल में आई बात करने के लिए। अब क्योंकि राज्य की मेहर से हमने ये सीखा है वितक के माध्यम से कि सामने वाले की बात को भी सुनना चाहिए, तो इस मामले में राज्य ने मुझे धैर्य दिया है। मैं आराम से सुन रहा हूँ उनकी बात, सुंदर साथ मुझे बगल से खोद रहे हैं कि आप क्यों नहीं बोलते, आप चुपचाप क्यों सुन रहे हैं। अरे कम से कम इतना धैर्य हमें होना चाहिए कि बंदर की तरह खोदते ना रहें, ठीक है। क्या करें श्री जी, कि हमेशा हमें उलझना नहीं चाहिए। तुम आकले होए ना उरजियो, सब काम दुरस्ती से होए। जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए कि तुम तारतम कब ले रहे हो, कब ले रहे हो। आपका काम है ज्ञान देना, उनको बात समझ में आएगी, थोड़ी भी निस्बत होगी यदि अखंड की वो अपने आप ही समझेगा, थोड़ा भी बुद्धिजीवी होगा वो अपने आप समझेगा, आपसे जुड़ेगा। और दूसरी बात, केवल तारतम लेने से राज्य से जुड़ना नहीं होता। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिन्होंने विधिवत रूप से किसी गुरु से अब तक तारतम नहीं लिया होगा, लेकिन उसके बाद भी वे राज्य का ही ध्यान करते हैं, राज्य की ही सेवा करते हैं। एक राज्य के अलावा और किसी के प्रति उनके मन में आस्था नहीं है, पर किन्हीं कारणों से उन्होंने तारतम अभी नहीं लिया है। किसी के मन में होता है कि चलो मुझे तो समझ में आ चुकी है, घर के यदि मान लीजिए कि मेरे पतिदेव भी लेते तो अच्छा होता, इसलिए जब तक वो नहीं लेंगे तब तक मैं नहीं लूँगी। किसी के पति के मन में ऐसा होता है कि मेरी पत्नी और मैं साथ में लेंगे, पर वो सेवा कर रहे होते हैं। और बहुत सारे ऐसे जिन्होंने तारतम पैदा इसी पैदा होने से पहले से वो सुंदर साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी न राज्य की पहचान है, न परमधाम का अता पता है, न तारतम की 6 चौपाइयाँ ही याद है, कान में खुसुर फुसुर फू कर दिया है, तो इसका कोई मतलब नहीं है ना। इसलिए हमें कभी भी इस मामले में जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए कि उनको ज्ञान दे देना है। आपका ज्ञान अच्छा है मैं यदि भी नहीं कहूँगा, आपका ज्ञान अच्छा है तो वो लेंगे ही, स्वीकार करेंगे ही, और यदि नहीं भी करते हैं, आपने अपने कर्तव्य का पालन किया है, बस हमें इतना ही करना चाहिए। कभी किसी को दबाव नहीं देना चाहिए। आपने पूरी बीतक में
चाहे श्री देवचंद्र जी के का प्रसंग हो, चाहे श्री जी का प्रसंग हो, कहीं पर सुना है श्री जी ने बोला हो कि तारतम ले लो? किसी को बोला है? नहीं, सबने सामने से लिया है कि मुझे तारतम ज्ञान दीजिए, मुझे ये दीक्षा प्रदान कीजिए, इस तरह से बोला है। हमारे यहाँ क्या है, एक सुंदर साथ थे मुजफ्फरनगर के, और मेरे ख्याल से 15-16 साल पहले या 14-15 साल पहले ज्ञानपीठ में आए थे, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। तो उन्होंने ना एक भजन, पता नहीं शायद स्वयं लिखा होगा, उस भजन की केवल एक लाइन मुझे याद है। उसमें उन्होंने कहा था कि आजकल के जो विद्वान हैं उनके विषय में बताया कि चार चौपाई रट के बन जाते विद्वान, और घर घर जाके कहते हैं भाई जी तारतम ले लो। सब्जी थोड़ी है टमाटर वाले के ठेले की तरह की, सब्जी ले लो टमाटर ले लो, आपका ज्ञान है आप अपना सिद्धांत रख दीजिए। वो जिसको मानता है, वो जिस बाजे में नाचना चाहता है आप उस बाजे को सीखिए, या वो जो बाजा बजाता है उसमें नाचना सीखिए। आप देखिए कि वो किस सिद्धांत से मान रहा है। आपको यदि गीता से समझाना पड़े आप गीता से उसको प्रबोधित कीजिए। आपको यदि ये पता है कि ये दर्शन से समझता है आप उससे समझाइए। आपको लगता है कि नहीं ये केवल भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी, आप भौतिक विज्ञान के उदाहरण से समझाइए। कोई पौराणिक है आपको उसी सिद्धांत से समझाना पड़ेगा। कोई यदि कुरान को मानने वाला है आप उसको ऐसे समझाइए। तो आपका काम है केवल समझाना, बाकी विषय में आपको जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसा कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आवे फल होए। हमें अपना कर्तव्य करके साथ में धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए, और उस प्रतीक्षा के समय में हम दूसरों को अपना ज्ञान पहुँचाएं, केवल निठल्ले थोड़ी बैठे रहना है। आगे कहते हैं कि भाई बदल कान जी भेजे हैं तुम पास, तुम परियान पक्का कीजियो कान जी पास राखियो खास। मैंने शेख बदल और कान जी भाई को आपके पास भेजा है मेरा पत्र लेकर के। इस पत्र को पढ़ करके आप कान जी भाई को अपने पास रखना पत्र आदान प्रदान की सेवा में, और मैं जो बात आपको कह रहा हूं उस पर विचार करना, दृढ़तापूर्वक विचार करना। अगर आप विचार करेंगे तो ये जो मेरी बातें हैं वो आपको अवश्य ही जागने के लिए सहायक सिद्ध होगी। और यदि आपकी अनुमति हो तो श्री जी कहते हैं कि मैं यहाँ से बाहर निकलकर किसी दूसरे राजा को जगाने का प्रयास करूं, ताकि उनकी जागृति के बाद यदि वो राजा तैयार हो जाता है, औरंगजेब के विरुद्ध मोर्चा खड़ा कर लेता है, तो आपको सहायता होगी। क्योंकि ये केवल ज्ञान से तो नहीं मानने वाला है, इनको तो परमात्मा की तरफ से कोड़े भी लगने चाहिए, ये ऐसे नहीं सुनने वाले। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बाहर निकलूँ। और यदि आपको लगता है कि नहीं मैं यहीं पर रहूँ अभी कुछ दिनों तक, कहीं बाहर ना जाऊँ, तो उसके लिए फिर मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। पर इसका परिणाम ये होगा कि वाणी का प्रचार नहीं हो पाएगा, सीमित होकर के रह जाएगा। इसलिए मुझे तो लगता है कि मैं यहीं पर उलझा रहूं तो वो निरर्थक है। बाकी आप समझदार हैं, आप लोग विचार विमर्श करके मुझे अपना निर्णय बता दीजिए कि मैं बाहर दूसरे राजा की जागने के लिए जाऊं या ना जाऊं। और कहते हैं कि सुंदर साथ जी, जैसे चित्त तुम्हारे महजत गए थे जब, फिर उस ही चित्त सो सरीख ही करो अब। आप अपने चित्त में जैसी उमंग के साथ मस्जिद में गए थे पहले, औरंगजेब के दरबार में प्रवेश करने से पहले तो मस्जिद में जाकर के इन्होंने सनन का गायन किया है ना। तो कहते हैं कि पहले आप जिस उमंग के साथ गए थे उस उमंग को बनाए रखना। अमूमन मानवीय स्वभाव है, वृत्ति है कि किसी भी कार्य की शुरुआत में पहले दिन तो उसमें उत्साह होता है, पर धीरे धीरे वो उत्साह समाप्त होता जाता है। ये हर जगह की बात है, चाहे चितवनी के संदर्भ में देखा जाए। लालदास जी क्या कहते हैं, अज्ञा रही जोलो रही दिल बड़ो चाह धरे, फेर ठंडे पड़ते गए कहे लाल अंग ठरे। शुरू शुरू में सब में उत्साह होता है,
कोई व्यक्ति नया नया जोगी बना होता है ना, साधु बना होता है, तो शुरू में बहुत उत्साह के साथ में पूरे शरीर में बहुत जोरदार तरीके से राख रगड़ता है, फिर धीरे धीरे दूसरे साधुओं को देख करके वो भी दूसरे साधुओं की तरह ही हो जाता है। श्री जी कह रहे हैं ऐसा नहीं करना है, पहले दिन जैसा उत्साह था वैसा ही उत्साह रखना है जब तक कि कार्य पूरा नहीं हो जाता है। हमारी कमी यहीं पर हो जाती है। एक कहानी सबने सुनी होगी, कछुए और खरगोश वाली। उस कछुए और खरगोश की लड़ाई में अथवा दौड़ में खरगोश इसीलिए हारा था, ये तो केवल सिखापन है, ऐसी कोई लड़ाई हुई भी नहीं होगी, ऐसी कोई दौड़ नहीं हुई होगी, पर यह सिखापन है कि भले ही आपके पास सामर्थ्य है लेकिन आप लक्ष्य को पूरा किए बिना बीच में आराम करते हैं, बीच में सोते हैं, तो कभी भी आपका लक्ष्य पूरा नहीं होगा। जैसा कि एक नीति का कथन है, अगच्छन वैन तेयो अपि पदम एकम न गच्छति। गरुड़ जिसको मन की वेग से चलने वाला कहा जाता है, वह गरुड़ भी यदि अपने पंख नहीं फड़फड़ाएगा तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। हमें राज जी ने बल तो दिया है, सब कुछ दिया है, पर वो बल का प्रयोग ही नहीं करेंगे तो हम वो उत्साह ही नहीं दिखाएंगे। तो इसीलिए जैसा उत्साह किसी कार्य के पहले दिन होता है आप वैसा ही उत्साह बनाए रखना। और मेरी तो इच्छा है कि मैं यहाँ से जा करके किसी राजा को जागृत करूँ, और वे राजा लोग ही बाद में बादशाह से बात करें, मेरे तरफ से मेरे पक्ष से वे राजा ही बात करें और कहते हैं कि यदि मैं बाहर जा कर के राजा से बात करता हूँ तो आपकी सहायता भी हो सकती है, और मैं यहीं बैठा रहा तो न कोई जागनी का कार्य होगा न आपकी मैं सहायता कर पाऊँगा। इसीलिए आप देख लेना, आपको जैसा उचित लगे मुझे बताना। फिर कहते हैं कि भी हक सुभान ने जिनको शोभा देने वाले हैं और हमको तहाँ खींच के पहुँचावे उनके ठौर। अक्षराती श्रीराज जी जिस राजा को शोभा देना चाहेंगे, मुझे कार्य कारण बना करके मुझे प्रेरणा दे के राज जी उन तक पहुँचा ही देंगे। इसीलिए कहते हैं इन भात का तुम भी जन्म का चाह किया, ऐसा जान हम तुम पर एह मता दिल लिया। प्रारंभ से ही आपके मन में भी ये चाहना थी कि हम औरंगजेब को संदेश दें, आपकी चाहना भी राज्य ने इस तरह से पूरी की। और कहते हैं सांची सोई हो वहीं जो हक के दिल में होए। राज्य के दिल में जो कुछ भी आ गया वो तो सही होना ही है, उसको तो घटित होना ही है। कहते हैं जो हमारा शोर शराबा सुने तो आंख उनकी भी खुले सोए। जो हमसे ये तारतम ज्ञान का की आवाज सुन लेगा, शोर शराबा मतलब हल्ला नहीं, तारतम ज्ञान को सुन लेगा, उसकी भी अंदर की आंखें खुल जाएगी, उसको भी धाम धनी की पहचान हो जाएगी। और कहते हैं कि आपको जो कुछ भी लिखना है आप अपनी तरफ से पत्र लिखना। और कहते हैं आज इस ठौर में हमारा नहीं फिरने का दिन, पर क्या करें हक को यही गमता है मन। कहते हैं कि वैसे तो ऐसी परिस्थिति में लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी धामधनी की तो ऐसी प्रेरणा हो रही है कि मुझे बाहर जाना चाहिए, मुझे जागनी करनी चाहिए, तो उसमें मेरा क्या ही चल सकता है, राज्य जो चाहेंगे वही होगा, तो हमारा क्या चलत भया तहकीक। जे राज्य ने जो निश्चित किया है उसमें मेरा भी कुछ नहीं चलना है। श्री महामति जी कहते हैं कि इसके बाद की जो घटना है उसको मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। अब आगे छोटी पत्री की बात की जा रही है। छोटी पत्री क्या है कि इसमें बड़ी पत्री में अर्थात पहले जो श्री जी ने चिट्ठी लिखी उसमें कुछ भाव जो शेष रह रहे थे उसको भी वर्णन किया है, और कुछ कुछ प्रसंग सुंदर साहब के तरफ से भी इसमें, क्योंकि ये चिट्ठी का हूबहू प्रतिलिपि नहीं है ना, इसमें चिट्ठी में श्री जी ने जो बात कही वो भाव व्यक्त किया है, सुंदर साथ ने जो उत्तर दिया उसका भाव यहाँ पर व्यक्त किया है। अब श्री महामति जी कहते हैं कि सुंदर साथ जी
ये समाचार सुनिए कि मेरे पास सूरत, सिद्धपुर, उदयपुर, मेरता इन सब जगहों से सुंदर सात के द्वारा लिखे गए पत्र आए हैं। ये बात श्री जी कह रहे हैं और कहते हैं कि साथ भाई बदल के लिखकर कहे वचन, पाती भी लिखित विद करत हो रोशन। जो मैंने पत्र शेख बदल जी के हाथ से भिजवाया है उसमें मैंने जागनी के संदर्भ में बहुत सारी बातें लिखी है या कही है, उसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ संक्षेप में। कहते हैं, हम सकुमार बाई की बात का किया विचार, ये तो साहेबी बहुत है, घुना घून नहीं सुमार। हमने औरंगजेब की जागृति के संदर्भ में बहुत अधिक विचार किया और विचार करने पर ये बात पता चली कि उसकी तो लौकिक साहेबी ही बहुत है और उसकी लौकिक साहेबी के कारण उसकी सत्ता का प्रभाव ऐसा है कि कोई भी प्रत्यक्ष रूप से उसके दरबार में जाकर खुलेआम अपनी बात नहीं रख सकता है। और दूसरा, जागनी ऐसे भी नहीं हो सकती कि हम केवल चिट्ठी लिख करके उसके पास तक पहुंचा दें और कबड्डी कबड्डी बोल के छू करके भाग आए, ऐसे भी जागनी नहीं हो सकती। जागनी कैसे होगी? कहते हैं, जो संदेशा दे के पीछे फिरिए घर, जो लो घुटन घुटन सो बांध के सुनावे ना इन पर। कहते हैं कि केवल चिट्ठी भेज करके घर आ जाने से जागनी नहीं होती। जागनी तो कैसे होगी? घुटने जोड़ करके, यहाँ घुटने जोड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि चिपका करके बैठना है, आमने सामने बैठ करके जब तक बात नहीं होगी तब तक जागनी नहीं हो सकती। और अभी छठे दिन की लीला में भी तरीका वही है जागनी करने का। हाँ, थोड़ी बहुत पद्धति में अंतर हो सकता है, उस समय मीडिया का समय नहीं था, आज हमारे पास एक मीडिया का बल है, मल्टीमीडिया का। आप यदि आपके पास धन है आप टेलीविज़न में अपनी बात रख सकते हैं, यदि उतना भी नहीं है आपके पास थोड़ी टीम है तो आप यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से या बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उसके माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन साथ में आमने सामने बैठ करके बात करना तो बहुत ही ज़रूरी है। केवल मंच पर बैठ करके चर्चा करने से तो जागनी नहीं होगी। मंच पर बैठ के चर्चा करने का एक महत्व है, पर वो कब? जब आमने सामने बैठ करके लोगों को मंच तक पहुंचाया जाए। आज से लगभग 11 वर्ष पहले, नहीं 2015 में, 7 या 8 वर्ष पहले गुजरात के दाहोद नामक जिले में, जहाँ पर प्राणनाथ ज्ञान केंद्र है खरेड़ी में, वहाँ बीतक की समाप्ति का कार्यक्रम था। अब समाप्ति का कार्यक्रम वहाँ ऐसे होता है कि पहले जो भी सुंदर साथ हैं थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, वे अपने अपने मोहल्ले में बीतक की चर्चा करते हैं, अपने अपने मोहल्ले में। रात को लोगों को इकट्ठा करेंगे, बीतक सुनाएंगे, जितना वो समझ सकते हैं या समझा सकते हैं वो समझाएंगे, ब्रोशर देंगे, साहित्य देंगे, इस तरह से अपने अपने मोहल्ले में वो बीतक की चर्चा करते हैं। और मुझे लगता है कि एक दाहोद जिले के अंदर कम से कम भी 25 से 30 जगहों पर, मैं कम से कम बता रहा हूँ, 25 से 30 जगह पर बीतक की चर्चा होती है। ये न्यूनतम है, मुझे लगता है कि ये 40-50 भी हो सकता है। पर सोचिए कि एक ही जिले में, हमारा सहारनपुर है, सहारनपुर में कितनी जगह बीतक हो रही होंगी? एक ज्ञानपीठ में हो रही है और दूसरी शायद किसी किसी जगह पर सुंदर साथ बैठते हैं परिवार में और यही बीतक जो है वो यूट्यूब में लगा के सुनते हैं, बस इतना ही। पर वहाँ इतनी सारी जगहों पर बीतक की चर्चा करते हैं और पूर्णाहुति एक जगह पर की जाती है। तो वहाँ 2015 में पूर्णाहुति के लिए पूज्य स्वामी जी को आग्रह किया गया था, स्वामी जी वहाँ पहुँचे थे, तो 5000 से भी ज़्यादा लोग बीतक की पूर्णाहुति में शामिल थे। यहाँ
भंडारे में वार्षिक उत्सव में भी 5,000 लोग नहीं होते, वहाँ बीतक की पूर्णाहुति में 5,000 लोग थे और उसमें 375 लोगों ने तारतम लिया था, नए लोग 375। अभी हमारे अंदर यहाँ चर्चा सुनने वाले भी इतने नहीं होते, इतने क्या उसका एक चौथाई भी नहीं होते। और ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि उन सुंदर साथ ने, वहाँ की महिला मंडल की जो टीम है और जो पुरुष सुंदर साथ भी है, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में ये नहीं देखा कि हम गादीपति नहीं हैं, हम महाराज नहीं हैं, प्रचारक नहीं हैं। सबने अपने अपना अपना कर्तव्य पूरा किया, आमने सामने बैठ करके उनसे बात की, उनके जिज्ञासाओं का समाधान किया और उनको स्वामी जी के कार्यक्रम में मंच तक पहुंचाने का, पंडाल तक पहुंचाने का कार्य किया। तब जाकर के उनको स्वामी जी की चर्चा सुनने का लाभ मिला ना। तो हमें ग्राउंड लेवल पर इस तरह से काम करना होगा। और उस समय तो सुंदर साथ जो करते थे, आज से मान लीजिए कि 15-20 साल पहले भी प्रचार करने वाले सुंदर साथ को बहुत समस्या होती थी। एक तो ये कि प्रशिक्षण नहीं लिए होते थे, उनको सिखाने वाला कोई नहीं होता था। दूसरा ये कि कोई प्रश्न पूछ दे तो हम क्या जवाब दें, कुछ भी नहीं होता था। आज तो कम से कम इतना है कि आपके पास यदि आपको कोई भी प्रश्न हो, पूछने के लिए भी प्रचारकों की संख्या है, कम से कम ज्ञानपीठ से ही निकले हुए 15-20 प्रचारकों की संख्या है, आप उन सुंदर साथ से पूछ सकते हैं। कोई ऐसी शंका है तो आज ज्ञानपीठ से कम 100 से ज़्यादा साहित्य प्रकाशित है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रसंग ऐसा होगा, आपके सामने कोई भी प्रश्न ऐसा आए और जिनका उत्तर इन साहित्यों में ना मिले। 1100 से ज़्यादा वीडियो ज्ञानपीठ के यूट्यूब चैनल पर डली हुई है, तो मुझे लगता है कि हर प्रश्न का समाधान अब तक दिया जा चुका है। तो आपको आसानी है, यदि आप घर घर जाकर के प्रचार की सेवा करना चाहते हैं, आपको आसानी है। मान लीजिए आपको बोलना नहीं भी आता है, कम से कम आप इतनी भी सेवा कर दें कि यदि आपको अध्यात्म में रुचि है तो आप इस चैनल को सुने, इस चर्चा को सुने, ऐसा कह करके लिंक भी प्रोवाइड कराने की सेवा करें, तब भी ये बड़ी सेवा है। तो यहाँ श्री जी क्या कह रहे हैं कि आमने सामने बैठ करके हमें बातचीत करनी चाहिए, तभी जागनी संभव होती है। कहते हैं कि ए बात तो तब होए तिस वास्ते लिख्या तुम, जो ब्राह्मण गायत्री शूद्र को कहे सुनावे नहीं हम। ये बात मैंने इसलिए लिखी है, श्री जी कह रहे हैं कि चर्चा सुनने के बाद ही जितने भी कर्मकांड के संदर्भ में संशय हैं लोगों के, वो समाप्त हो सकते हैं। यदि हम दूर दूर भागते रहें तो संशय कैसे समाप्त होंगे? जिस प्रकार जो कर्मकांडी पौराणिक लोग होंगे तथा कथित ब्राह्मण शूद्रों को गायत्री मंत्र नहीं सुनाते, और इसी तरह से जो कट्टर शरीयती मुसलमान है वो भी ये सोचते हैं कि हिंदुओं को कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब तक बैठ करके ना सुनाया जाए, पूरी बात नहीं समझाया जाए, केवल चिट्ठी के भरोसे कैसे जागनी हो सकती है? इसीलिए कहते हैं कि हमें वेश बदल करके, केवल चिट्ठी के भरोसे न रह करके वेश बदलते हुए औरंगजेब के दरबार में जाना पड़ा। कहते हैं तिस वास्ते आपन को जात भेष उपले, सब गोविंद भेड़े की तुमको पहचान जात वेश के। इसलिए हमें बाह्य जातिपाति को, वेशभूषा को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। ये सब जितने भी बाह्य पहचान है, ये तो गोविंद भेड़े की पहचान है, अर्थात ये तो माया के हथियार हैं। और जितने भी शास्त्र हैं, चाहे वेदांत है, जितने भी संप्रदाय हैं, उन सब में वेशभूषा और जातिवाद के विषय में बहुत सारी चर्चा की गई है, लेकिन चर्चा कैसे की है कि आत्मकल्याण यदि चाहिए तो जाति पाति वेशभूषा के बंधन को हमें त्यागना होगा। अब आगे कहते हैं कि कुरान देखे पीछे बात मोहम्मद अलैहु सलाम, सब कड़ी हमारे घर की है हमेशा दीन इस्लाम। जब हमने कुरान को देखा, उस पर चिंतन किया, तो हमें ये साक्षी मिले कि इसमें तो सारी बात हमारे घर की लिखी हुई है, तो हम जात भेख का क्यों ना भाने सिर। जब हमें पता है
कुरान में हमारी ही बात लिखी है, तो हम केवल एक जाति और वेशभूषा के बंधन में रहकर इस ज्ञान को सीमित क्यों करें। इसलिए हमने वेशभूषा को बदला, हमने मुस्लिम वेश को धारण करने में भी कोई शर्म नहीं की, कोई संकोच नहीं की, और इस तरह से हमारे 12 सुंदर साथ औरंगजेब के दरबार में दाखिल हुए। और वहाँ सकुमार ने कहते हैं, सो हमको सकुमार ने कहया मजली से यों कर। वहाँ दरबार में जाने पर औरंगजेब ने हमें धन्य धन्य कहा, धन धन कहे सब हमको पीछे उनके मन में, हमारा भाषा अवगुण क्यों हिंदू मुसलमान ऐसे। पहले तो औरंगजेब ने धन्य धन्य कहा, पर वहां के जो दरबारी थे उन्होंने जब कान भरे तो फिर हिंदू और मुसलमान की बात इन्होंने करना शुरू कर दिया, तो हमारे इनको अवगुण दिखे कि हम हिंदू होते हुए मुस्लिम की वेशभूषा धारण करके क्यों आए। फिर उस उनके मन में आया कि किसने भेजा है, क्यों आए हैं, कोई धोखा देना तो नहीं चाहते। इसलिए उसने काजी ने कोतवाल को संकेत किया और फिर कोतवाल ने हमें यातना दी। और उसके बाद जब ये पता चला कि झूठे नहीं हैं, धोखा कहीं पर हम नहीं दे रहे हैं, तो हम पर जो चौकी बैठाई गई थी, सिपाही बैठाए गए थे, उनको हटा दिया गया, हवेली दिया गया। इनके मन में जो भी विकार आया था वो विकार हमारे प्रति हट गया। और फिर हम श्री जी की कृपा से कहते हैं कि जिस सनंद से वो समझेगा, सनंद के जिस प्रकरण से समझेगा, अब हम उनको उसी तरह से समझाएंगे, हम उनको वैसे ही बात करेंगे। और सुंदर साथ कह रहे हैं श्री जी को कि कोतवाल से भी हमारी बात हुई है और उसने हमारे बारे में जो कुछ भी अनुभव किया वो सारा लिखित रूप में बादशाह औरंगजेब के पास भेज दिया है और औरंगजेब ने उसको अपने पास रख लिया है। और जब बादशाह उस बात को पढ़ेगा, कोतवाल के द्वारा लिखी गई बात को पढ़ लेगा, तो हर तरफ यदि औरंगजेब किसी से भी बात करता है हमारी, तो इतना तो बोलेगा कि इमाम मेहदी के द्वारा भेजे गए कुछ लोग आए हैं या फिर इमाम मेहदी का संदेश लेकर के कुछ लोग आए हैं। इससे भी लोगों में ये बात फैल जाएगी कि इमाम मेहदी जाहिर हो चुके हैं। और कहते हैं, और बात की हमसो जब करेंगे तलब, तब हम तुमको लिखेंगे, तुम एकांत बैठो। अब कहते हैं श्री जी साहेब, अब आप किसी एकांत स्थान में चले जाइए, आगे यदि हमारी कोई बात होती है बादशाह से तो हम आपको चिट्ठी के माध्यम से सूचित करा देंगे। अभी तो यहाँ के औरंगजेब के दरबारियों में, हर दरबारी में ये बात फैल गई है, ये बात प्रसिद्ध हो गई है कि हम इमाम मेहदी के द्वारा भेजे गए लोग हैं। इससे पहले हम बादशाह से मिलने के लिए बार बार भटक रहे थे, छिपते फिर रहे थे, पर अब आपकी कृपा से हम उन्हीं के दरबार में प्रवेश कर चुके हैं। कहते हैं, जब लो इन चर्चा का लगेगा इन्हें बेशक, ऐसे कागज और दिलासा लिख भेजे हुक्म हक। अब श्री जी उत्तर दे रहे हैं कि जब तक उनके मन में रुचि है, जब तक वो सुनना चाह रहे हैं, तब तक आप उनको सुनाते रहना, समझाते रहना। मैं भी यहाँ से किसी और स्थान में जाऊँगा और वहाँ से आपको पत्र लिखूँगा। और कहते हैं, यों कर इन साथ को ना उपजे विकार, गम दिल में ना हो वहीं रहे सन्मुख परवरदिगार। इस तरह से मैं पत्र लिखता रहूँगा तो सुंदर साथ के मन में कभी भी विकार नहीं आएगा। विकार यहाँ कौन सा, निराशा की भावना नहीं आएगी, क्योंकि पत्र के माध्यम से भी ये बना रहेगा कि श्री जी पल पल हमारे साथ हैं। और दूसरा, आप लोग भी बिना किसी डर के जगह जगह के सुंदर साथ को पत्र लिख करके भेजना। श्री जी ने औरंगजेब के दरबार में गए उन 12 सुंदर साथ को ये हिदायत दी कि आप हर जगह पर चिट्ठी लिख करके भेजना, ताकि उनको भी सिखापन मिले कि जागनी में किस तरह से योगदान देना है। चाहे उदयपुर हो, चाहे नौतनपुरी में, सूरत में, मेरता में, कहीं भी सुंदर साथ हो, उन हर सुंदर साथ को चिट्ठी लिख करके भेजना।
और सुंदर साथ में यदि किसी भी प्रकार की ऐसी भेदभाव की भावना है तो आप चिट्ठी में अच्छी तरह से लिख करके समझाना। कहते हैं, जैसा कलामों में है तैसा ही भरियो पाए, एते दिन तुम मिने आकार पकड़ बैठा है। श्री जी कहते हैं कि सुंदर साथ जी, जिस तरह से धर्म ग्रंथों में ब्रह्म सृष्टियों की महिमा का वर्णन है, आप उस महिमा के अनुरूप ही कार्य करना, उसकी लज्जा रखना और साथ में मेरी भी मर्यादा रखना, क्योंकि आपके तरफ से कोई भी गलती होगी तो क्या कहा जाएगा, उसका नाम तो मेरे ऊपर ही आएगा ना, कि ये तो इनके भेजे गए लोग हैं, जब ये ऐसे हैं तो ये वे कैसे होंगे। इसलिए आप मेरी मर्यादा का ध्यान रखना। कहते हैं, तिस वास्ते मेरा चला जात मुलाज, अब मर्यादा चलियो राखियो मेरी लाज। श्री जी कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी, आपके ही बल से वहाँ मेरी इज्जत है, मेरा सम्मान बना हुआ है, इसलिए अब आप किसी भी प्रकार की ऐसी गलती मत करना ताकि मेरी मर्यादा वहाँ पर ना रहे। और दूसरा, आप सभी एक दूसरे से गरिमावान महिमावान कार्य करना, आप सब एक दूसरे से बढ़कर हो, एक दूसरे से शिरोमणि हो, एक दूसरे से बुद्धिमान समझदार हो, आपको राज्य ने बड़ी बुद्धि दी है अर्थात जागृत बुद्धि दी है, आप जागृत बुद्धि के स्वामी हैं, इसीलिए आपको बहुत अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस कुछ समय की बात है, ये दो चार दिनों की बात है कि चिट्ठी के आदान प्रदान से गुजारा करना पड़ रहा है, बाकी जब हम मिलेंगे, अभी तो शरीर से मिलना नहीं हो रहा है, हम आत्मा से मिले हुए, चिट्ठी से व्यवहार का आदान प्रदान हो रहा है, जब हम मिलेंगे तो मिल करके पूरी बात करेंगे। और ये भी हो सकता है कि किसी कारणवश ही हमारा ऐसा हुआ हो, हमारा अलगाव हुआ हो और मुझे यहाँ से अब जाना पड़ेगा किसी दूसरे राजा की जागनी के लिए, आप अब नौतनपुरी, खम्बालिया, पोरबंदर, मंडई बंदर, ठट्ठा नगर, सूरत, खम्बात, अहमदाबाद, भरूच, सिद्धपुर, उदयपुर, मेरता, इन सभी स्थानों में सुंदर साथ को पत्र लिखना और पत्र में खंडनी भी लिखना। केवल अच्छी अच्छी बात मत लिखना, सुंदर साथ की जहाँ कमी हो रही है वो खंडनी भी लिखना। और यदि कोई व्यक्ति घृणा के कारण कि आप तो मुसलमानों का वेश धारण कर चुके हो, ऐसा कह करके घृणा के कारण कोई दुख देता है तो आप मुझे सूचित करना, मैं उस व्यक्ति के अभिमान को समाप्त करके आपको पुनः सुख दूंगा। और सुंदर साथ में कोई भी रूढ़िवादी मानसिकता के कारण किसी को दुखी करता है, आपका हृदय दुखी करता है, तो आप मुझे सूचित करना, मैं उसको बुलाकर अपने ज्ञान के द्वारा उसकी विकृत मानसिकता को नष्ट करूंगा। यहाँ श्री जी क्या समझा रहे हैं कि जो भी सुंदर साथ हैं, सुंदर साथ के अंदर किसी भी प्रकार की भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए, न ही जाति के नाम पर, न वर्ण के नाम पर, न प्रांत के, न भाषा के, न वेशभूषा के, न अमीर गरीब के नाम पर, किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने जो वेशभूषा बदली है उसका कारण यही है कि आप तो काम अच्छा करने के लिए गए हो, आप तो धामधनी का संदेश देने के लिए गए हो, तो सुंदर साथ के मन में किसी भी तरह की बुरी भावना नहीं आनी चाहिए। आपने तो श्री देवचंद्र जी की आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए जैसे उन्होंने जाति, वेशभूषा, भाषा इन तीनों के बंधन को समाप्त किया था, आपने भी वैसा ही किया है। और राज्य की आज्ञा से हमने वैसा ही करके जाति और वेशभूषा भाषा के बंधन से ऊपर उठकर ब्रह्मवाणी को तथा कयामत के संदेश को दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इस तरह की पाती लिखकर, दो चार वचन शब्द लिखकर के जगह जगह पर पहुंचाइए। जो जैसे लोग हैं उनको उसी भाव से पत्र लिखिए। आप बिहारी जी को भी पत्र लिखिए, नागजी भाई को लिखिए, अखई भाई को लिखिए और फिर देखिए कि बिहारी जी पत्र में क्या जवाब देते हैं।
फिर श्री जी कह रहे हैं, अब तो तुम केसरी सिंह हो ऊपर पहनी पाखर। अब तो आप केसरी सिंह की तरह पुरुषार्थी हो, वीर हो, और आपने हाथी को जो कवच पहनाया जाता है ना, वो कवच भी पहना है। कवच कौन सा? देखिए, शेर में वीरता स्वाभाविक है और साथ में कवच भी हो, तो यहाँ कवच है इश्क और ईमान रूपी कवच। कहते हैं आपके अंदर वीरता का गुण तो है ही, साथ में आप में इश्क और ईमान रूपी कवच भी है। काहू मुलाही जा जिन करो कासिद को भेजो आखर। कहते हैं कि आपको किसी से भी शर्माने की, डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है, और यदि आपके पत्रों से वे नहीं समझते तो उन्हें समझाने के लिए आप पत्रवाहक को भी भेज सकते हैं। कासिद तहां लो भेजियो उनके दिल की लियाओ खबर, कोई तुमसे आप छिपा वहीं सो मालूम होवे इन पर। दिल्ली के बाहर जो सुंदर साथ रह रहे हैं, उनको उनके मन में क्या चल रहा है ये भी जानना जरूरी है। इसलिए केवल चिट्ठी भेजना पर्याप्त नहीं है, चिट्ठी के साथ में आप किसी सुंदर साथ को भी भेजिए ताकि उनको पता चले कि उनके दिल में क्या चल रहा है। और जिसके हृदय में जैसी भावना है आप उनको उनकी ही भावना के अनुरूप चिट्ठी लिख करके भेजना। और फिर श्री जी ने एक प्रसंग बता करके माया की वास्तविकता बताई। कहते हैं कि सुंदर साथ जी, आपको एक बात बता रहा हूँ कि जो दयाराम जी हैं, 12 मोमिनों में से एक दयाराम जी दिल्ली के, दयाराम जी के भाइयों ने औरंगजेब के दरबार में आकर के ये खुलेआम ऐलान कर दिया कि जो हमारे भाई को मार डालेगा, दयाराम को, उसको हम 4,000 रुपया देंगे। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से वो हिंदू हैं और दयाराम जी ने मुसलमानों का वेश धारण किया, फकीरों का वेश धारण किया, इससे उनकी तथाकथित इज्जत चली गई। इसके लिए तो सोचिए, दुनिया में कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, सबको अपने से ही प्रेम है। यहाँ उनको उनका अहंकार प्रिय है। आज भी, आज तो खैर काफ़ी कम है, वरना ये पश्चिमी यूपी में और हरियाणा में ऑनर किलिंग के नाम पर बहुत सारी हत्याएं होती थी। कैसे? जैसे मान लीजिए कि लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, घर वालों को बताते हैं यदि, तो पूछते हैं कौन सी जाति का है। यदि उनके पसंद का है, उनके हिसाब से है जाति, तो ठीक है, वरना तथाकथित वर्तमान समाज के हिसाब से यदि कोई ऊंची और नीची जाति का है तो वो शादी नहीं करने देते, और यदि अपनी मर्जी से कर लेते थे तो यहाँ उनकी हत्या कर दी जाती थी। ऑनर मतलब इज्जत होता है और किलिंग मतलब हत्या, तो इज्जत के नाम पर जो हत्या की जाती थी, ऐसी कौन सी इज्जत है भाई? और किसी को मारने से तुम्हारी इज्जत कैसे बढ़ गई? यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि दयाराम जी के घर वालों ने जाकर के कहा दरबार में कि जो हमारे भाई को मार डालेगा उसको हम 4,000 रुपया देंगे। श्री जी कहते हैं कि ये तो गोविंद भेड़े की निस्बत है कि केवल इज्जत के लिए भाई भाई को पैसा दे करके मरवाने के लिए तैयार है, वास्ते अपनी शर्म के, सब में यही स्वार्थ, सभी लोगों का अपना अपना स्वार्थ है इसी तरह से। और सुंदर साथ जी, आप तो मेरे प्राण हैं, आप शिरोमणि हैं, मुझे विश्वास है कि आप मेरी बात को नहीं भूलेंगे। मैंने आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ, आप पर विश्वास करके दिल की सारी बातों को खोल करके रख दिया है। कहते हैं लोक मर्यादा छोड़ के मोर्चा ढहाए मिने बैठे, तीन साथ में से रही यो एक जागा के। आपने धामधनी के मेहर से लोक लाज मर्यादा को छोड़ दिया और शरीयत के गढ़ में, शरीयत के किले में जाकर के उनके मोर्चे को ध्वस्त कर दिया। अब
अभी ये समय नहीं है कि आप वहाँ से अलग हो कर के आएँ, कुछ समय आपको वहीं रुकना चाहिए, जो आपने इतना प्रयास किया है उसका परिणाम देखना चाहिए और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो श्री जी कह रहे हैं कि जब मैं उचित समय देखूंगा तो आप लोगों को भी बुला लूंगा, लेकिन आपस में विचार विमर्श किए बिना कोई भी कार्य मत करना, कोई भी ऐसा निर्णय मत लेना। इसका मतलब ये कि श्री जी संगठन के विषय में भी समझा रहे हैं कि किसी संगठन को यदि चलाना है, एक व्यक्ति के निर्णय से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, सबके विचार को सुनना चाहिए, समझना चाहिए धैर्यपूर्वक, और फिर समाज के हित के लिए जो अच्छा होता है वैसा निर्णय लेना चाहिए। अब श्री जी कहते हैं कि आपने जो मेरे पास पत्र भेजा है मैं उस पर विचार करूंगा। बस कुछ दिनों की बात है, दो चार दिनों की बात, कि शरीर से हम अलग हैं पर अंतर्दृष्टि से हमेशा हम एक हैं, और इसीलिए उदयपुर के जो भीम भाई हैं उनके पास भी आप पत्र लिखना, और पत्र लिख करके उनको समझाना कि वे अब तक माया में किस तरह से हैं। शायद ये दूसरे भीम भाई हैं, क्योंकि एक भीम भाई तो बारह सुंदर साथ में भी शामिल हैं। ये हो सकता है कि श्री जी दूसरे भीम भाई को ये समझाना चाह रहे हो कि एक भीम भाई तो किस तरह से समर्पण कर रहे हैं, किस तरह से जागने में योगदान दे रहे हैं, और दूसरे माया में लगे हुए हैं। तो इस तरह से उनको चिट्ठी लिखने की बात कर रहे हैं और कहते हैं, सुंदर साथ जी, मेरी ताई तो इन समय लिया है मोल तुम, तिस वास्ते तुम्हारी आत्म से मेरी होए न जुदी आत्म। सुंदर साथ जी, आपने अपने समर्पण से मुझे खरीद लिया है, अर्थात मेरा हृदय जीत लिया है, इसलिए कभी भी मेरी आत्मा आपसे अलग नहीं होगी। बस इतना निश्चित समझना कि आप अपने आप को संभालें, आपके सिर पर जागने की जिम्मेदारी है और वह जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। शेख बदल जी यहाँ की जो भी हकीकत होगी, मेरी जो भी वास्तविकता होगी, वो आपके पास आकर के कहेंगे। और श्री जी कहते हैं कि जागने के इस कार्य में मैं आप सब सुंदर साथ से बहुत ही खुश हूँ, और कहते हैं, दिन जागनी के आए नजीक, श्याबाश लाल भाई तुम। लाल भाई जी, आप जो सेवा कर रही हैं आपको तो श्याबाशी है, आप धन्य हैं कि आप इतनी बड़ी सेवा कर रही हैं। लाल भाई जी लालदास जी की पत्नी हैं, एक स्त्री होते हुए भी उन्होंने ये हिम्मत दिखाया कि दिल्ली में ही रहते हुए जो सुंदर साथ दरबार में गए हैं उनकी सहायता के लिए वो रुकी हैं। और साथ में कहते हैं, तुम सुर धीर पना किया आगे धरे कदम, आपने ऐसा साहस दिखाया है कि उस साहस के साथ में आपने दूसरे सुंदर साथ का जागने के कार्य में नेतृत्व किया, आगे कदम धरा है। अब शेख बदल आए सुख पावे तुम्हारी आत्म। अब मुझे विश्वास है कि शेख बदल जी आपके पास आ रहे हैं, उनकी उनसे यहाँ की बात सुन करके आपको सुख की प्राप्ति होगी। और कहते हैं, सुख समाधान आनंद की रहो लिखते पाती, सब साथ को प्रणाम लाल बाई को कहती। लाल बाई जी और साथ में सभी सुंदर साथ को मेरे तरफ से प्रणाम है, और जो भी घटना हो सुख समाधान आनंद मंगल में आप रहना और चिट्ठी लिखते रहना। श्री महामती कहे मोमिनो ए पाती की हकीकत, अब मुकदमा कहो फरदा रोज कयामत। महामती श्री लालदास जी कह रहे हैं कि ये सुंदर साथ जी, ये श्री जी और सुंदर साथ के बीच में होने वाले पत्रों के आदान प्रदान की वास्तविकता है। अब आगे 11वीं और 12वीं सदी में जो कयामत की बात की है, जिसे कुरान में कल के दिन इमाम मेहदी का अप्रगट होना लिखा है, वो किस तरह से जाहिर हुए उसके विषय में बताएंगे। अब कल की चर्चा में हम सुनेंगे कि श्री जी किस तरह से दिल्ली छोड़कर, कामा पहाड़ी छोड़कर उदयपुर जाते हैं। अब दिल्ली का प्रसंग लगभग समाप्त हो गया है, कैसे उदयपुर में राणा को जगाने का प्रयास करते हैं, किस तरह से औरंगजेब की नज़रबंद से सुंदर साथ आकर श्री जी से मिलते हैं,
और कैसे अब आगे जागने का कार्य शुरू होता है, ये सारी बीतक सुनेंगे हम कल, समय पूरा होता है जो पैदो रहे। श्री महामति कहे ए मोमिनो, ए पाती की हकीकत अब मुकदमा कहूं, फरदा रोज कयामत, फरदा रोज कयामत। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु महाराज, प्रणाम।